उज्जैन जिले के नागदा की अशोक कॉलोनी के रहवासियों की मुश्किल बढ़ती जा रही है। बीसीआई क्लब शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहां के रहवासियों की मानो नींद ही उड़ा रखी है, जिस पर तंग आकर रहवासियों ने बिरला ग्राम थाने पहुंचे और ज्ञापन दिया, जिस पर बिरला ग्राम टीआई एमआर चौहान और उनकी टीम द्वारा कार्रवाई की गई। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। ये क्या अवैध शराब बिक रही है इस संबंध में अभी पहले भी आपके द्वारा दिया गया था, इसका अखिल भारतीय देवा समाज द्वारा, उसमें हमने वहीं पे पीछे क्लब वगैरह उसमें तलाश की थी, क्योंकि जो खड़ी वहाँ भी तलाश कर रहा था तो दारू वगैरह नहीं मिली थी। और इसके बाद में अभी और प्रयास करेंगे, सभी एक जवान आज से को लगा लेंगे ठीक से, जो पीछे जो है लगातार देखता रहेगा इस प्रकार से। सर ये आवेदन पहले भी दिया था इन लोगों ने? हाँ, एक बार पहले दावा दिया। तो आपने अभी तक क्या कार्रवाई करी सर इनके? हमने तलाश करी, दो चार छः बार हम गए थे, एक बार झोपड़ी की तलाश ली थी, उधर भी घूमे थे। तो इन्होंने नाम दर्ज करा था सर? हमारे यहाँ पे क्या है कि फोर्स की बहुत कमी है, बहुत महाकाल की जगह दो शिफ्ट में जवान चले जाते हैं क्या, तो वो वहाँ की कमी वजह से। सर फोर्स की कमी से इन लोगों का क्या संबंध है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हमने प्रयास करे ना, हम भी परसों भी गए थे पूरा है ना, तब वो झोपड़ी तो दिशा क्लब भी देखा था हमने, तभी है ना इधर भी है पूरे घूमते रहते हैं। सर ये जब नाम दर्ज बता रहे हैं आपको कि नाम दर्ज है, फिर उसके बाद आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? नाम दर्ज नहीं है, ये है नहीं, अभी इनसे किसी से पूछा तो उन्होंने बोला नाम दर्ज है आपके आपके पास, नाम दर्ज है। नाम दर्ज है, नाम मालूम है? नाम मालूम, नाम नहीं मालूम है, मतलब लोग बात ऐसे ही रहते थे, तो उसमें सब कार्रवाई करेंगे, जवान लगा दिया ऐसे बोला करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।